भाइयों, या तो इतने दिनों से सूखा पड़ा था या कल एकदम से इतना सारा माल आ गया भाई। पहले एंटमैन, फिर पठान। पठान का ट्रेलर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, पर नीचे एक लाल रंग का बटन भी देखा होगा आपने, मतलब उस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, तो यार दबा दो उसे एक बार। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो ये ट्रेलर शुरू होता है हमें क्लियरली ये बताते हुए कि पठान मूवी यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है, और इस यूनिवर्स में पिछली मूवीज हैं सलमान खान की टाइगर फ्रेंचाइजी और ऋतिक रोशन की वॉर मूवी, और पठान मूवी इस यूनिवर्स की फोर्थ मूवी होने वाली है, क्योंकि टाइगर के ऑलरेडी पहले दो पार्ट आ चुके हैं ना। और पठान में एज अ विलन हमें दिखने वाले हैं जॉन अब्राहम। भाई टू बी ऑनेस्ट, ये बंदा मूवी का विलन है, ऊपर से टेररिस्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उस हिसाब से इसे ज़्यादा हैंडसम नहीं दिखा दिया मूवी में। और मूवी में ग्लैमर ऐड करने के लिए दीपिका पादुकोण तो है ही, और ट्रेलर से तो यही लग रहा है कि उनका रोल भी किसी एक एजेंट का होने वाला है जो कि पठान की हेल्प करने वाली है मूवी में। हाँ तो देखो भाई, मूवी का प्लॉट तो एकदम सिंपल होने वाला है। ट्रेलर को देख के हम साफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मूवी में क्या दिखाया जाने वाला है। इंडिया के पास एक कोई एजेंट होगा जो उन लोगों को ज्यादा पसंद नहीं होगा, क्योंकि वो हर चीज में अपना तरीका लगाता होगा, और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अटैक करेगी फिर इंडिया पर, तो इंडिया को कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और उसे उस एजेंट की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो एजेंट इंडिया के पास बेस्ट होगा, और फाइनली उसे बुलाएंगे वो, और फाइनली किसी ना किसी तरीके से जो मूवी का हीरो होगा वो बचा लेगा अपनी कंट्री को, क्योंकि स्पाई मूवीज का जनरली यही प्लॉट रहता है। और मेरे अकॉर्डिंग तो इस मूवी का जो मेन सेलिंग पॉइंट रहेगा वो रहेगा इस मूवी का एक्शन, जो कि हमें ट्रेलर में काफ़ी अच्छा दिखा है, और शाहरुख खान हिमसेल्फ, क्योंकि वो 4 साल बाद रिटर्न कर रहे हैं। और तो जितने भी कैमरा एंगल्स और फाइटिंग सीन्स, स्पेशली जो शाहरुख खान के सीन्स हैं जितने भी, वो मुझे काफ़ी पसंद आए ट्रेलर में। और ट्रेलर का VFX देखकर तो यही लग रहा है कि मूवी में भी जो VFX और जितना CGI वर्क है वो भी काफ़ी डिसेंट होने वाला है, मैं उसमें कोई शिकायत नहीं करूँगा। और शाहरुख खान भी 4 साल बाद रिटर्न कर रहे हैं जैसा कि मैंने बताया, तो फैंस को तो फुल मजा देने वाली है मूवी। बाकी VFX सीन्स तो सही थे, पर भाई जो ये जेट पैक वाला सीन देखकर मुझे कसम से जो हंसी आई है ना, आई वॉज लाइक आर यू कॉमेडी मी। अच्छा चलो, बहुत ज्यादा हो गया, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। मूवी मस्त मसालेदार होने वाली है, और पोस्ट क्रेडिट में हो सकता है हमें सलमान खान और ऋतिक रोशन वगैरह भी दिख जाएं। तो जाओ 25 जनवरी को देखो ये मूवी, हॉल में जाकर एंजॉय करो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंटमैन की और नई थ्योरीज के साथ। और अगर आपको एंटमैन के ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखिए, और इस साल आने वाली सारी मूवीज की लिस्ट के बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो देखिए, और अगर अभी देखने का मन नहीं है, बाद में देखनी है, तो सेंटर में सब्सक्राइब कर दीजिए।